आज मैं आपको ऑटोमेटिक प्रेस की जो वायरिंग है इसको डायग्राम के द्वारा समझाने वाला हूँ, जिससे कि आप इसकी वायरिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक 3 पिन वायर है, एक हीटिंग एलिमेंट है जिसको आप कॉइल बोल सकते हैं, एक हमारे पास थर्मोस्टेट है और एक है इंडिकेटर। तो इसकी वायरिंग करने के लिए यहाँ पे इन सभी पार्ट्स को हम ले लेते हैं और डायग्राम के द्वारा आपको समझा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो 3 पिन वायर है उसके अंदर का एक वायर आपको लेना है, आपको रेड वायर लेके यहाँ पे जो हीटिंग एलिमेंट है जो कॉयल है उससे मिला देना है, और दूसरा जो ब्लैक वायर है उसको यहाँ पे आपको थर्मोस्टेट से मिला देना है, और थर्मोस्टेट का जो एक वायर है उसको आपको कॉइल से मिला देना है, जिससे कि इसकी वायरिंग हो जाती है। आप इंडिकेटर की वायरिंग इसके साथ करना चाहते तो इंडिकेटर के 2 वायर होते हैं, उसमें से एक वायर लेके आपको थर्मोस्टेट का जो दूसरा वायर है उससे आपको मिला देना है, और इंडिकेटर का जो दूसरा वायर है वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉइल से मिला देना है। जब भी आपकी प्रेस ज़्यादा गर्म होती है तो थर्मोस्टेट जब बंद होता है तो आपकी लाइट भी बंद हो जाती है, और जब थर्मोस्टेट चालू रहता है तो आपकी जो इंडिकेटर है वो भी चालू रहता है। अब यदि आप इसका जो अर्थिंग है उसको आप लगाना चाहते तो प्रेस का जहां भी लोहे का भाग है वहां पर आप इस ग्रीन वायर को अर्थिंग को लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।